बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सऊदी अरब की बेहतरीन आबोहवा जो फल बागों के लिए बहुत बेहतरीन हवा है, यहाँ बीमारियां बहुत कम आएंगी, पानी बहुत कम है, तो ये बीमारियां भी वहां आती हैं जहां बहुत ज्यादा पानी हो, नमी हो, वहां बीमारियां ज्यादा आती हैं। जहां सऊदी अरब की सरजमीन पर अनार, पपीता, ड्रैगन फ्रूट ये बहुत कामयाबी से होगा, ड्रिप एरिगेशन के साथ ये बाग, ये बगीचा लगाया जाए तो ये ड्रैगन फ्रूट और पपीता बहुत अच्छा फल है, आमदन देने वाला वा मुनाफा बख्श ये फल है। इसकी खेती करके बहुत सा मुनाफा कमाया जा सकता है, ये एक दफा लगाओ तो 20-25 साल तक कोई पौधा कोई आपको दोबारा नहीं लगाना पड़ेगा, तो इससे बहुत अच्छी आबोहवा है, इससे बहुत अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है, और इस जे कम खर्चा करके अच्छा का बिजनेस किया जा सकता है। इसकी नर्सरी खुद बनाएं, क्योंकि अगर दूसरे मुल्क से पौधे आप खरीदोगे तो बहुत बहुत पौधे जाया होंगे और बहुत कास्टिंग में खर्चा ज्यादा आएगा, तो बड़ी आसानी से ये नर्सरियां इनकी बनाई जा सकती हैं। सीड आम मिल सकता है, दूसरा ये ड्रैगन फ्रूट का नर्सरी आप जहां से मर्जी ले सकते हैं, इंडिया से भी मिल सकता है, पाकिस्तान से भी मिल सकता है। ड्रैगन फ्रूट ये एक बेहतरीन पौधा है, ये भी इसका भी फल बहुत कीमती है, तो ये भी लगाया जा सकता है। दोस्तों, ये सऊदी अरब की सरजमीन बहुत नरम है और बहुत जरखेज है, सिर्फ थोड़ा सा इस पर तवज्जो की जरूरत है और मेहनत की जरूरत है। अगर इस जहां मेहनत की जाए तो बहुत अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। तो जो दो दोस्त ये काश्तकारी करते हैं जो इस इन पर भी तवज्जो दें, तो ये थोड़ा लगा कर देखें तो आपको इसका बहुत जल्द रिजल्ट मिल जाएगा। ड्रैगन फ्रूट, अनार, ये पपीता, ये जल्दी फल देने वाले फसलें हैं, तो दोस्तों इसको लगाकर आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो बशर्ते नर्सरियां खुद बनाए, तो ड्रैगन फ्रूट की नर्सरी तो आप पौधे जहां से मर्जी मंगाएं, एक माह तक ये पौधा खराब नहीं होता। तो दूसरा एलोवेरा साथ लाजमी लगाएं, जो दूसरे दोस्त भी काश्तकारी कर रहे हैं वो भी एलोवेरा लगाएं, एलोवेरे से वो खाद बड़ी बेहतरीन बनती है। एलोवेरा बहुत बेहतरीन एक पौधा है, तो ये खाने के भी काम आ जाता है, तो और ये फसलों के खाद और ये स्प्रे बनाने के भी काम आता है। तो साथ वेस्ट डिकम्पोजर लाजमी इस्तेमाल करें, वेस्ट डिकम्पोजर इस्तेमाल करोगे तो ये जमीन को जो टेम्परेचर जो है जमीन का जो वो साड़ जमीन को मारती है वो ठंडा करती, जमीन जमीन के अंदर केचुए गडोए पैदा होते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।